राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल समस्या समाधान पर फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, अगर आपके घर में पैसा नहीं आ रहा तो इस पौधे को लगाकर देखिए, यह पौधा आपके घर में पैसे को चुंबक की तरह खींच लाएगा। दोस्तों यह पौधा मनी प्लांट के पौधे से ज़्यादा शक्तिशाली पौधा माना गया है। दोस्तों वैसे तो पैसा कमाना इतना आसान नहीं है, कमाने के लिए जीतोड़ मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन कई बार बहुत मेहनत करने पर भी उम्मीद के अनुसार पैसा नहीं आता। आज के दौर में रुपयों के बिना अच्छी जिंदगी कल्पना भी नहीं की जा सकती, इसलिए लोग कई तरह के उपयोग भी करते हैं, जैसे कि ज्योतिष उपाय, घर में वास्तु उपाय। कुछ लोग अपने घर में मनी प्लांट का पौधा भी लगाते हैं। आपने भी कई घरों में मनी प्लांट के पौधे लगे हुए देखे होंगे। कहा जाता है इस पौधे के घर में होने से पैसे की आवक होती है और यह शुभ रहता है। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में मनी प्लांट से भी ज्यादा शक्तिशाली एक ऐसा पौधा बताने जा रहा हूँ जिसका नाम क्रासुल्ला है। दोस्तों यह पौधा पैसे को चुंबक की तरह घर में खींचता है। इस तरह भारत में वास्तु शास्त्र होता है, उसी तरह चीन में इस विद्या को फेंगशुई के नाम से जाना जाता है। फेंगशुई शास्त्र के अनुसार एक पौधा ऐसा है जो घर में पैसे को चुंबक की तरह खींच लाता है। इस पौधे का नाम दोस्तों क्रासुल्ला है। इस पौधे को मनी ट्री कहा जाता है। कई फेंगशुई के अनुसार इस पौधे को घर में रख देने मात्र से ही पैसे को अपनी ओर खींचता है। दोस्तों यह पौधा आपको किसी भी नर्सरी पर आसानी से मिल जाएगा। इसके दोस्तों अपने घर में रखने के कुछ आसान उपाय मैं आपको बताऊंगा, किस तरीके से यह आपको अपने घर में लगाना चाहिए। दोस्तों यह पौधा, इस पौधे की पत्तियां चौड़ी होती हैं, इन्हें हाथ लगाने पर मखमली एहसास होता है। इसकी पत्तियों का लाल रंग और पीला मिक्स होता है, ना तो पूरी तरह लाल होता है और ना पीला। इसकी पत्तियां दूसरे लोगों की तरह कमजोर नहीं होती, यह हाथ लगाने से मुरझाती नहीं है और ना ही टूटती है। यह पौधा दोस्तों आप जो हमारी इस वीडियो देख रहे हैं इस तरीके का होता है। बेहद आसान है दोस्तों इसे घर में रखना, इसकी देखभाल में ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं होती, मनी प्लांट की तरह यह ज़्यादा देखभाल नहीं मांगता। इसको रोज पानी देने की जरूरत नहीं होती, यदि 2 या 3 दिन बाद भी पानी दिया जाए तो यह पौधा सूखता नहीं है। क्रासुल्ला घर के अंदर छांव में भी पनप सकता है, यह आपके घर की ज्यादा जगह नहीं घेरता, इसलिए आप इसे छोटे गमले में भी लगा सकते हैं। इस पौधे को दोस्तों घर के मुख्य द्वार के पास रखना चाहिए, जहाँ से घर में प्रवेश करने पर दरवाजा खुलता है उसके दाहिनी ओर इसे रखें। कुछ ही समय में यह अपना असर दिखाना शुरू कर देता है और पैसे के साथ साथ घर में सुख शांति भी लाता है। दूसरा तरीका दोस्तों, इसे जो आप अपने छत, घर की छत पर इस स्थान पर रखें उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा से दोस्तों माँ लक्ष्मी प्रवेश करती हैं। इस तरीके से रखें उत्तर दिशा में कि यह पौधा जो आपको बाहर से भी दिखे। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, जिससे कि दोस्तों आगे आने वाले और भी अच्छे अच्छे वीडियो आप तक पहुंच सकें। मैं दोस्तों आपके लिए फिर लाऊंगा कोई अच्छा सा वीडियो, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।